मध्यकालीन संत महात्मा कबीर ऐसे संत भक्त हुए हैं जिन्होंने भारतीय जीवन के अत्यंत ही गहराई को प्रभावित किया है। भारत के मूल जीवन दर्शन का पुनरुत्थान कर नवीन चेतना का प्रवाह मानव जीवन के ऐहिक और पारलौकिक कल्याण की कामना कबीरदास जी के दोहे का मुख्य उद्देश्य रहा है। यही कारण है कि कबीर के दोहों का अध्ययन और अध्यापन केवल कबीरपंथी ही नहीं करते, जनमान्य जन सामान्य में भी उनकी कविताएं लोकप्रिय हैं, उनके दोहे लोकप्रिय हैं, उनके साहित्य लोकप्रिय है। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी भाषा अर्थात साधु और संतों की भाषा है। जहां उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी और कहीं कहीं शेखावटी की खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, वहीं कहीं कहीं भोजपुरी भाषा का भी प्रयोग सुनने को मिलता है। कबीर दास न स्वयं लिखते थे न किसी से लिखाते थे, उनके शिष्य मंडली स्मरण मात्र से ही उनकी साखियों और पदों का संकलन करती थी। यही कारण है कि विभिन्न संस्करणों की भाषा भी कुछ कुछ भिन्न होती गई, कुछ अवधि के ठेठ के रूप में, तो कुछ राजस्थानी से प्रभावित ब्रज भाषा में, और कई पद तो भोजपुरी भाषा में भी संग्रहित हैं। आज के दूषित और तनावपूर्ण वातावरण में जहां नैतिक पतन, सामाजिक और चारित्रिक पतन की ओर हम सभी तेजी से गर्त की ओर जा रहे हैं, ऐसे में कबीर की वाणी आज कितना महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कबीर दास जी की सार्थकता और भी बढ़ जाती है। वह निर्गुण स्वरूप हो तो कबीर दास से बड़ा संत कोई दिखता नहीं है, जिनकी कविताओं में निर्गुणात्मक स्वरूप का बड़े ही उच्च कोटि से वर्णन किया गया है। आज मैं कबीर के जिन पदों को गाऊंगा या परिभाषित करूंगा उसमें मूल भावधारा को अक्षुण रखने की चेष्टा और प्रमाणिक अभिव्यक्तियां भी प्रस्तुत की गई है। तो आइए कबीरदास जी के कुछ खास दोहे साखियों का हम लोग गायन और पाठन करें। संत कबीर ने कहा है, थक्कर संत कबीर ने कहा है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो हिंदू थे कि मुसलमान थे, सिख थे कि ईसाई थे, क्या थे, कभी नहीं किसी भी जगह पकड़ नहीं होती है कि कबीर दास जी किस धर्म और संप्रदाय, वह इन सबों से ऊंचे थे। तभी तो उन्होंने कहा है कि भगवान का अनुपम तत्व वस्तु केवल अनुभूति है, भगवान अनुभव करने की चीज है। इस तरह जाके मुह माथा नहीं, जाके मुह माथा नहीं, ना ही रूप अरूप पुहक बास थे पातला, ऐसा तत्व अनूप। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा के वास्तविक पति ब्रह्म के न मुख है, न सिर है, न रूप है, कुछ नहीं है और न रेखा है। उसको रूपवासन या रूप रहित भी नहीं कहा जा सकता, न रूपवान कहा जा सकता है, न रूप रहित कहा जा सकता है। वह पुष्प की गंध से भी अत्यंत क्षीण है, अर्थात केवल अनुभूति है। भगवान ऐसा ही अनुपम तत्व वस्तु है। जाके मुह माथा नहीं, ना ही रूप अरूप,
कबीर दास जी ने अपने गीतों के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से भी बहुत कुछ कहा है, संसार को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने क्या कहा है देखिए एक भजन में, धूबिया जल बिच मरत पियासा, धुबिया जल बिच मरत पियासा, जल बिच ठाढ़ी पियु नहीं मूरख, जल बिच ठाढ़ी पियु नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा, अपने घर के मर्म न जाने, कर धुबियन की आसार धुबिया, जल बिच मरत पियासा। किसी भी माध्यम से कबीर दास जी ने जब भी कुछ कहा है वह एक चेतावनी है, वह एक मार्गदर्शन है, और आज के भी समय में यह मार्गदर्शन कितना ही सार्थक है। निम्नलिखित पंक्तियों में संत कबीर कह रहे हैं कि भगवान का तत्व केवल अनुभूति है, तभी तो उन्होंने कहा है कि भेद अभेद द्वैत अद्वैत से ऊपर उठना चाहिए इंसान को। किस तरह कबीर मुए राम कही, मुसलमान खुदाई कहे कबीर तो सो जीवता, कहे कबीर तो सो जीवता, दुह मैं कदे न जाए। कितना बढ़िया, कितना सुंदर कि हिंदुत्व के अहंकार से बद्ध व्यक्ति, हिंदुत्व के बद्ध से अहंकार अहंकारी व्यक्ति ईश्वर को अवतारी राम में, तथा मुसलमान संस्कार परम तत्व को खुदा में सीमित संकुचित एवं दोनों को भी परस्पर में पृथक समझकर नष्ट हो रहा है। हिंदू अपने दिशा की ओर, मुसलमान अपने दिशा की ओर। कबीरदास जी कहते हैं कि वही वास्तव में जी रहा है जो इस भेद वृद्धि में नहीं पड़ता, इस भेद अभेद में नहीं पड़ता, और जो इन दोनों में व्याप्त अभेद एवं अद्वैत तत्व को देखता है, क्योंकि जीवन की सार्थकता ही इस भेद बुद्धि से ऊपर उठना है। Sare gare sa, pa ma gare 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 s